नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे बेसन की और सूजी की बहुत ही यूनिक मिठाई। तो चलिए बनाने चलते हैं। तो देखिए, तो चलिए बनाने चलते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने बेसन, सूजी और चीनी और बादाम कटी हुई। तो यहाँ पर दो इलायची भी ली है। कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे घी। देखिए यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच यहाँ पे घी डाल दूँगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अपनी सूजी। सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए हम सूजी को मैं अच्छे से चलाते हुए भून लूँगी। 2-4 से 5 मिनट में हमारी सूजी बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे सूजी मेरी लगभग भून चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे अपना बेसन। बेसन को भी इसी में अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। देखिए इस तरह से बेसन भी मेरा लगभग 4 से 5 मिनट में बेसन भी भून चुका है। देखिए इस तरह से। तो इसमें मैंने खोया भी डाल दिया है, सॉरी बुआ मैं स्किप हो चुका है, वो दिखा नहीं पाई। इसमें घी डाल दूँगी 2 चम्मच और देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। खोया भी डाल देना आप, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी को हम अच्छे से मिक्स करके इसको मिला देंगे और उसमें 2 इलायची कुटी हुई डाल देंगे और कुछ हम बादाम डाल देंगे। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करके हम सेक लेंगे। हल्का सा हमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें खोया भी है। तो देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोया रहता है तो अच्छे से ये बन जाता है। बहुत ही अच्छा हमारी ये मिठाई बन के है तैयार। तो चलिए प्लेट में हमने घी लगाया। घी लगा के इसको अच्छे से जमा देंगे इसमें। उसको 2 घंटे बाद हम देखेंगे। तो 2 घंटे बाद मैं इसको देख रही हूँ। इसको 2 घंटे बाद हम अच्छे से कट कर लेंगे। बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी है हमारी मिठाई बन के है तैयार। ये बहुत ही यम्मी लगती है। आप लोग भी कम सामान में बहुत ही टेस्टी मिठाई घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कट लगा के इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए इसकी पीसेस कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से सारे कट कर लिए हैं मैंने इस तरह से। देखिए इस तरह से बढ़िया सी मेरी कट चुकी है। इसको मैं कट कर लूँगी, उसको हम बढ़िया से सर्व करेंगे। बहुत ही यम्मी बनती है। आप लोग भी इस बार एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए ये बेसन वाली मिठाई।